सिटीजनशिप अमेंडमेंट भी दिल्ली ने पास कर दिया 2026 में डिलीगेशन। उस टाइम हम लोग का टिकरा सा एकदम खतरे में है। आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना, जब टिकरा सा नहीं रहेगा तो मुख्यमंत्री क्या करेगा? हम लोगों को इसीलिए जिंदगी में एक बार फाइट तो करना पड़ेगा, और वो जो फाइट है हमारा वो 2023 फरवरी मार्च में होगा, और उस फाइट में प्रत्येक विक्रम माणिक्य या फिर हारेगा या फिर जीतेगा, लेकिन प्रत्येक विक्रम माणिक्य मर जाएगा लेकिन फाइट कर करके अपना टीका साथ के लिए फाइट कर सकता है, क्योंकि वो फाइट वो जो होगा 2023 में वो दिखाएगा कि आपका जो सेक्युलर डिग्री है, जो नेक्स्ट जनरेशन में जो आपका भविष्य है वो रहेगा कि नहीं। यहां में किशोर कांत है, यहां में रतीश है, हमारा रतन जैसे पूरा हमारा बहुत सीनियर है, दिनेश सीनियर लीडर, उन्होंने जिंदगी में कभी भी आसमान के नीचे एक आसमान एक खुला टिकरा सा तो नहीं देखा। हम उनके सामने से आ रहा था, एक हमारा लीडर से मिला अशोक रहता था, एक महीना जीतने के बाद जेल में था, एक महीना डाली जिंदगी में हम लोग सीनियर लीडर जो है ना, कभी भी खुला आसमान में एक खुला सिक्रता को आधार सिक्रता को जो दिल से लगे ये हमारा राज्य है उसको नहीं लेते। मैं गारंटी लेके बोल सकता हूं कि आदर शर्मा, जितेंद्र चौधरी, मेवा कुमार चमकिया, मेरा पिताजी गिरीश विक्रम मानिक्य, उन्होंने कभी खुला आसमान में खुला टीका सा तो नहीं लिया, क्योंकि हम लोग लीडर लोग ना थोड़ा सा काम के लिए लालची थोड़ा सा लालच के लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज किया, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया, या हम लोग ने विश्वास नहीं किया अपने ऊपर, हमें ना विश्वास नहीं किया। और अगर आपने विश्वास किया जैसा एडीसी इलेक्शन में अकेला लड़के हम लोग आईएमपी